रामो मंडल का नाम आज किसी के लिए मोहताज नहीं है। एक चमकता हुआ सितारा बन गई, न्यूज चैनल की नजर रानू पर, बॉलीवुड की नजर रानू पर, भारत तो छोड़िए पाकिस्तान की नजर भी रानू पर है। उनके एक गाने ने उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचा दिया, रातों रात सुपरस्टार बना दिया। हर जगह रानू के चर्चे हैं, रानू को अलग अलग जगह से कॉल आते हैं। एक कॉन्सर्ट में उन्होंने एक प्यार का नगमा और उन्हीं का पहला सॉन्ग तेरी मेरी कहानी गाया है, जिसे सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर के मशहूर गानों को गाकर अपना जीवन यापन करने वाली रानू मंडल की किस्मत बदल गई है। इस खबर के बीच में एक और खबर आ रही है कि हिमेश रेशमिया ने रानू मंडल को अपना गाना गाने के लिए पहली सैलरी दे दी है, और सैलरी इतनी दी कि आप लोग भी सुनकर हैरान रह जाओगे। रानू मंडल को ये गाना गाने के लिए हिमेश ने करीब 6-7 लाख रुपए ऑफर किए हैं। रानू को जब हिमेश ने पैसे दिए तो रानू ने इतने पैसे लेने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर भी हिमेश ने उन्हें ये पैसे दिए और कहा कि आपको सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। रानू मंडल, वही जो कोलकाता रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाकर रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। रानू का गाना जिसने भी सुना उसके मुंह से यही निकला, काश को इन्हें फिल्म में गाने का मौका दे दे। सोशल मीडिया कैसे किसी आदमी की जिंदगी बदल देता है, इसका जीता जागता उदाहरण है रानू मंडल। अपनी आवाज से रानू ने इंटरनेट पर यूजर्स को अपना फैन बना दिया। रानू का गाना बॉलीवुड के सितारों तक पहुंचा, जिसके बाद हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया से पहले एक शख्स है जो रानू के लिए किसी फरिश्ते की तरह आया। इस शख्स ने रानू का वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। रानू पश्चिम बंगाल के राणाघाट स्टेशन पर गाना गाकर ही गुजारा करती थी। उन्हें कईयों ने गाना गाते हुए देखा भी, लेकिन अक्सर लोग उन्हें अनदेखा कर देते थे। रानू अक्सर पुराने ही गाने गाया करती थी। उनके वायरल हुए वीडियो में वो लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गा रही हैं। ऐसे ही एक दिन रानू गाना गा रही थी, तभी वहां एतेंद्र चक्रवर्ती स्टेशन पर मौजूद थे और उन्होंने वीडियो बना लिया। एतेंद्र ने ये वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया। बस फिर तो जो हुआ सब जानते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद रानू से कई संगीतकार और प्रोड्यूसर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। साथ ही रानू को कई स्टेज शो करने के ऑफर भी मिलने लगे। खबर ये भी है कि उन्हें कोलकाता, मुंबई, केरला और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में परफॉर्म करने के लिए भी ऑफर मिले थे। उन्हें खुद का म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करने का ऑफर भी मिला। यहाँ तक कि रानू को गाना गाने का ऑफर देने वाले आयोजकों ने उनका मेकओवर भी कराया। हाल ही के वीडियो में देखने को मिल रहा है कि रानू हिमेश रेशमिया के साथ अपना गाना रिकॉर्ड कर रही हैं। रानू जब हिमेश रेशमिया के लिए गाना रिकॉर्ड कर रही थी तो उस वक्त एतेंद्र भी स्टूडियो में ही थे। एतेंद्र को खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके एक वीडियो ने कैसे एक महिला की जिंदगी बदल दी। रानू को मौका देने के लिए एतेंद्र ने हिमेश रेशमिया को शुक्रिया कहा। वीडियो के बाद एतेंद्र लगातार रानू के संपर्क में हैं। एतेंद्र पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और राणाघाट में ही रहते हैं। हिमेश रेशमिया की अगली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर है, जिसमें रानू मंडल ने तेरी मेरी कहानी नाम का गाना गाया है। हिमेश रेशमिया ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रानू स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही हैं। उनके पास हिमेश खुद खड़े हैं और गाइड कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद रानू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। रानू की इस नई जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद रानू को अपनी 10 साल से बिछड़ी बेटी मिल गई। रानू की बेटी ने घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस पर रानू ने कहा कि ये मेरा दूसरा जन्म है और मैं इसे बेहतर बनाने की हर तरह से कोशिश करूंगी। रानू के पति का निधन हो चुका है और वो स्टेशन पर गाना गाकर ही अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन अब रानू की जिंदगी बदल गई है। बैठे थे वो भी रानू मंडल की आवाज को सुनकर रो पड़े। ढपली वाले ढपली बजा, यह गाना है फिल्म सरगम का, जो साल 1980 में रिलीज हुई थी। यह गाना ऋषि कपूर और जया प्रदा पर फिल्माया गया था। इन दोनों की जोड़ी को उस समय काफी पसंद किया गया था। बीते दिनों रानू मंडल राणाघाट रेलवे स्टेशन पर अपनी सुरीली आवाज में लता मंगेशकर का फेमस गाना एक प्यार का नगमा है गा रही थी। और अब सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो गाना भी लता मंगेशकर का ही है। देखा आपने, रानू मंडल की दर्द भरी आवाज पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी रो पड़े। तो देखते हैं रानू मंडल की किस्मत उन्हें कहां लेकर जाती है।